20वीं सदी यूं तो बहुत सारे महायुद्धों से भरी रही, उन्हीं में से एक युद्ध हुआ था 1917 में, वोल्सवेग क्रांति। इस क्रांति ने ना केवल यूएसएसआर बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी ही बदल दी थी। तो वोल्सवेग क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस क्रांति ने वहाँ के लोगों का, वहाँ की राजव्यवस्था का और साथ ही ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा। वोल्सवेग क्रांति को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वोल्सवेग का मतलब समझ लीजिए कि आखिर जो वोल्सवेग है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुसंख्यकवाद या फिर बहुमत, यानी आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के नज़दीक ही है। तो ये वोल्सवेग का मतलब होता है, वोल्सवेग एक रूसी वर्ड है। जो वोल्सवेग क्रांति होती है उसमें वोल्सवेग जो राजनीतिक समूह यानी ग्रुप निकल के आता है, ये बेसिकली वहाँ का जो डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी थी, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी थी, उसी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। वोल्सवेग क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 और अक्टूबर 1917 में। वोल्सवेग क्रांति अगर हम देखें जो अक्टूबर में हुई थी 1917 में ही, ये हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, और इस क्रांति में क्या है, इसी क्रांति में ही विजय प्राप्त हुई थी वोल्सवेग क्रांति। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस क्रांति के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, आखिर किस वजह से वोल्सवेग क्रांति हुई। रशिया में जार निकोलस जो निरंकुश तानाशाह था उसका वहाँ पर नियंत्रण था और वो जनता को कोई भी अधिकार देना नहीं चाहता था। तो इससे क्या है, जनता वहाँ की अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। रशिया में अगर हम देखें तो उस टाइम पर तीन वर्ग हुआ करते थे, एक वर्ग था कुलीन वर्ग, दूसरा वर्ग था जो उच्च मध्यम वर्ग है यानी मिडिल क्लास हो गया, इसमें अगर हम देखें तो जो सामंत भी हैं, छोटे जमींदार हैं, जो कैपिटलिस्ट हो गए, पूंजीपति हो गए, ये सारे आते थे। और तीसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, यह तबका सबसे ज़्यादा अत्याचार सहन करता था। तो ये तीन वर्ग हुआ करते थे, और जब ये क्रांति हुई तो इसने क्या किया, जार निकोलस जो निरंकुश तानाशाह था इसको क्या है हटा दिया, सत्ता इसकी चली गई, यानी क्या आ गया वहाँ पर, लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो गया। तो पहला अगर हम देखें जो जार निकोलस है इसको हटा दिया गया, तो ये जनता के लिए अच्छा काम हुआ। दूसरी वजह अगर हम देखें तो ये रही 1905 की क्रांति, 1905 में एक क्रांति हुई थी। उस टाइम पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका था वो हालांकि जान चुका था कि अगर हम स्वतंत्र रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा अधिकार रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है इसको स्वाद को चख चुका था। हालांकि 1905 में जो क्रांति हुई थी तो उसमें जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो इसकी वजह से ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव हुआ, इसने बहुत हद तक वहाँ के जो लोग हैं उनकी विचारधाराओं को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर हम बात करें, जब जर्मनी लड़ रहा था जो मित्र राष्ट्रों से, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जर्मनी ये विचारधारा फैला रहा था कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो विचारधारा है ना केवल पूरे पश्चिमी यूरोप में, इवन रशिया में भी ये विचारधारा फैल चुकी थी। चौथा जो रीजन रहा इस क्रांति का वो रहा मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल क्लास वर्ग है, इतना खतरनाक वर्ग है ये कि इसी ने ही जो सारी चालें हो गई, इसमें अगर हम देखें तो मैं जो वकील हो गए, जो छोटे जमींदार हो गए, जो पढ़े लिखे तबके आते हैं वो मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो रूस में जो मध्यम वर्ग था ये कहीं ना कहीं शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया में हुआ था। तो उसके बाद से उसके विचारों में भी परिवर्तन होने लगे, शिक्षित वर्गों जो था उसके विचारों में परिवर्तन होने लगे, तो धीरे धीरे रशिया में जो आज़ादी की मांग उठने लगी। और पांचवा रीजन था महायुद्धों का प्रभाव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे जो रशियन सैनिक है ये क्या है, युद्ध में संलिप्त हो गए थे। लगातार 2 साल तक सैनिक युद्ध लड़ते रहे। हालांकि उस टाइम पर अगर हम देखें तो जो सैनिक थे रशिया के, राष्ट्रवाद का उनके अंदर कोई भी भाव नहीं था, वो सिर्फ इसलिए लड़ते थे ताकि अपने राजा को खुश कर सकें। लेकिन ये युद्ध जो वर्ल्ड वॉर थी वो लगातार खिंचता गया, 2 साल तक कोई भी इसका डिसीजन नहीं निकला। धन था, संपदा थी, ये में युद्ध में लग रही थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो गरीब तबका है
भ्रष्टाचार तो वैसे ही संलिप्त था पहले से ही, भ्रष्टाचार हो गया, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, इनसे भी रसिया ग्रस्त होने लगा और जनता परेशान होने लगी। तो इन सब की वजह से जो पूरा जो स्ट्रक्चर है बोल्शेविक क्रांति का बना, अब इस बोल्शेविक क्रांति से आखिर रिजल्ट क्या निकला, इसके परिणाम क्या निकले। पहला परिणाम इसका ये निकला कि निकोलस द्वितीय है, उसका क्या है जो निरंकुश तानाशाह है, ये हट गया। दूसरा क्या रहा, शाही सरकार का पतन हो गया। तीसरा क्या रहा, रशियन फेडरेशन यानी सोवियत संघ का निर्माण होता है। और चौथा रहा, यहीं से जो रशिया है अपने गृह युद्ध में और ज़्यादा एक शुरुआत हो जाती है यहाँ। तो ये वे पूरे इसके परिणाम रहे बोल्शेविक क्रांति के। अगर एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।